नागपूर इथे आयोजित केलेल्या मिस अँड मिसेस इंडिया क्वीन फॅशन शो स्पर्धेत अमरावती शहरातील वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या डॉक्टर पूजा साधवाणी प्रथम विजेता ठरल्यात. उपस्थित मान्यवर आणि परीक्षकांच्या हस्ते डॉक्टर साधवाणी यांना क्राउन आणि मोमेंटो देऊन सन्मान करण्यात आला. या यशाबद्दल शहरातील एका हॉटेलमध्ये अभिनंदन कार्यक्रमाचे आयोजन करून डॉक्टर साधवाणी यांच्यावर पुष्पवृष्टी करण्यात आली. रुग्णांना वैद्यकीय सेवा देत असताना फॅशन शोमध्ये सहभाग घेऊन स्पर्धा जिंकण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या डॉक्टर पूजा साधवाणी अखेर आपले स्वप्नच पूर्ण केले. नागपूर शहरात आयोजित मजेंटा आर्ट्स अँड एंटरटेनमेंटने 18 जून रोजी सर्वात मोठ्या सौंदर्य स्पर्धांपैकी एक मिस आणि मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन 2023 चे आयोजन करण्यात आले होते. या शोचे उद्घाटन नागपूर शहर पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या हस्ते करण्यात आले. या शोचे सेलिब्रिटी अतिथी बॉलिवूड दिवा रिमी सेन आणि प्रमुख पाहुणे ॲडव्होकेट मंजित कौर मतानी होत्या. संस्थापक मोनिका गणवीर यांच्या नेतृत्वाखाली आणि शोचे संचालक सनी फ्रान्सिस यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा शो आयोजित करण्यात आला होता. ही स्पर्धा पूर्णपणे महिला सक्षमीकरणासाठी समर्पित असल्याने संपूर्ण भारतातून 20 स्पर्धक सहभागी झाले होते. या कार्यक्रमात टॅलेंट राऊंड, फिटनेस राऊंड, फोटोशूट, वैयक्तिक मुलाखत, परिचय, रॅम्प वॉक अशा अनेक उपक्रमांचा समावेश होता. या स्पर्धेत अमरावती शहरातील डॉक्टर पूजा साधवाणी यांनी सुद्धा सहभाग घेतला. 7 राऊंडमध्ये वेगवेगळे सादरीकरण करण्यात आले. या राऊंडमध्ये शेवटपर्यंत डॉक्टर पूजा यांनी उत्कृष्ट सादरीकरण केले. 18 जूनला अंतिम राऊंड फायनलमध्ये अखेर डॉक्टर पूजा साधवाणी या नावाचा मिस अँड मिसेस इंडिया क्वीन म्हणून घोषणा करण्यात आल्याने डॉक्टर पूजा यांचे स्वप्न पूर्ण झालेत. उपस्थित सेलिब्रिटी अतिथी बॉलिवूड दिवा रिमी सेन आणि ॲडव्होकेट मंजित कौर यांच्या हस्ते विजेता डॉक्टर पूजा यांच्या डोक्यावर क्राउन टाकून मोमेंटो देऊन सन्मानित करण्यात आले. नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पूजा साधवाणी है. मेरा क्लिनिक न्यू कॉटन मार्केट में है, डॉक्टर साधवाणी डेंटल क्लिनिक के नाम से. मैंने एक अपने कंफर्ट जोन के अलावा एक ड्रीम देखा था, एक पेजेंट शो जीतने का, जो मैं पूरा करके आई हूँ नागपुर में. वो एक नेशनल पेजेंट है, मिस एंड मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन के नाम से. उसमें हम 10 कंटेस्टेंट्स फाइनलिस्ट बने थे. हमने आपस में कम्पीट किया और 7 राउंड्स हुए थे हमारे. उसके बाद में हमारा जो फिनाले था वो 18 जून को हुआ था, जिसमें कि रिमी सेन एज सेलिब्रिटी थी, सेलिब्रिटी जज, और एडवोकेट मतानी मैम भी एज ए जज थे. कम्पीट करने में बहुत मज़ा आया और ये क्राउन मैं अमरावती लेके आई हूँ. एक ये वाला क्राउन है जो मेन टाइटल क्राउन है, ये मेरा सब टाइटल क्राउन है जो मुझे मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन इंटेलिजेंट क्वीन के लिए मिला था. और ये ट्रॉफी अमरावती के नाम, क्योंकि अमरावती से पहली कंटेस्टेंट हूँ जो एक नेशनल पेजेंट जीत के आई हूँ. थैंक यू. या यशाने अमरावती शहरात आनंदाची लाट पसरली. 21 जूनला पुन्हा डॉक्टर पूजा साधवाणी यांच्या कुटुंबांच्या वतीने एका खासगी हॉटेलमध्ये छोटे खाणी अभिनंदन कार्यक्रमाचे आयोजन करून जल्लोष करण्यात आला. हॅलो, मेरा नाम अमित अर्जानी है. मैं डॉक्टर पूजा साधवाणी का हस्बैंड हूँ और मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ, क्योंकि बीइंग अ डेंटिस्ट वो इतना बड़ा खिताब लेके आई है मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ नेशंस का, और वो पहले से ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे इन सब चीज़ों के लिए. बीइंग अ डेंटिस्ट प्रोफेशन के अलावा वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी पहले से ही. उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की सर चीज़ के लिए और फाइनली वो अमरावती में ये टाइटल लेके आई है मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन का. तो मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ उस चीज़ों के लिए, और अमरावती का भी उसने नाम काफ़ी रोशन किया है इस चीज़ को लेके, और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बहुत कुछ करना चाहती है वो. ये तो शुरुआत है उसकी, और आगे बहुत चीज़ें करना चाहती है वो.